मूल कहाँ से हैं? सर मैं रांची झारखंड। झारखंड से। आपने झारखंड के बाहर कोई दोस्त बनाए यहाँ? बहुत सारे। किस राज्य को? सर यूपी के हैं और मैं जिस कॉलेज में हूँ वो बालाजी मंदिर चलाता हूँ, तो बहुत सारे दोस्त भी बनाए। और एक साउथ अफ्रीका का दोस्त है। नहीं, जो कहीं साउथ के राज्य के बारे में किसी से एक मिनट के बाद कहाँ से हैं? उत्तराखंड में। कहाँ से? उत्तराखंड वहाँ से धारकुला जाते हैं। मैं कभी धारकुला में रहा हूँ। अच्छा दोस्तों बताइए, कुछ आप क्या कहना चाहेंगे? परीक्षा में जितने का फायदा लिया है हमारे लोगों ने शुरू में मजाक उड़ाई उनसे, अंग्रेजी में पूछा। अब उसका काम स्पोर्ट्स में है, उसको अंग्रेजी में जब सब आना है अच्छा जवाब दिया कुछ बच्चों ने। और हमने देखा होगा गांव के बच्चे स्पोर्ट्स का काम कर लैंग्वेज हमारे यहाँ बैरियर नहीं बननी चाहिए। अच्छा आप में से कभी किसी ने प्रयोग किया है एक भी रुपया कैश जेब में लिए बिना? ये सर हमने किया है। सात दिन तक ये सर किया। कैश को हाथ नहीं लगाएगा ताकि आप ये सर किया। उन अनुभवों को आपने अपने ब्लॉग पर शेयर करना चाहिए। ये सर लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य होता है। मैं जब दुनिया को बताता हूँ कि आपको एक भी रुपया लिए बिना हिंदुस्तान में जाइए, आपके पास मोबाइल है तो आप आराम से अपना कारोबार चला सकते हैं। ये सही आपको उसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा जो आपने 2016 में RPDW डे किया है PWD के लिए।
इससे पहले जो था 1995 तक था, बट वो इतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं था उसके बारे में, डिपार्टमेंट आई उसके बारे में। बट मैं स्पेशली थैंक आपको ऑन द बिहाफ ऑफ जितने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि सर मैं आज उसी बदौलत, उसी पॉलिसी के बदौलत आज मैं डिप्लोमा कर रहा हूं। बिल प्रिंसिपल है, उन्होंने भी आपको याद किया है, वो खुद मैम क्या कहते हैं हर जगह ब्रीम में फैलाने की बात करती है। मालूम है मैंने एक मिशन लाइफ लॉन्च किया है, तो मिशन लाइफ की तरफ लोगों को जोड़ना चाहिए और प्रो प्लैनेट पीपल P3 मूवमेंट ऐसा एक समूह बनाना चाहिए। अब देखिए मुझे भी हरियाणा के कुछ बच्चों का पता चला, वो अपने गांव से सुबह 5 बजे उठ के बगल के गांव में जाते हैं, वो 40-50 बच्चे पूरे गांव की सफाई करते हैं और फिर अपने गाँव वापस चले जाते हैं। उन्होंने पूरे हर गाँव को प्रेरणा दी है कि भाई सफाई होनी चाहिए, कर रहे हैं लोग, स्वच्छता बहुत बड़ा काम है। अब जैसे 2025 तक हमें टीबी से भारत को मुक्त करना है, अब किया जा सकता है, सिर्फ टीबी के पेशेंट को हमें गोद लेना है, सरकार दवाई देती है वो दवाई उसको पहुंचानी है, 6 महीने तक उसको खाने के कुछ नियम है उसको पालन करना है, 6 महीने में चला जाता है, तो उसको हम बहुत बड़ी मदद, अगर देश के नौजवान तय करें कि हमें टीबी मुक्त भारत बनाने में योगदान करना है।